लोगों को एक जबरदस्त सा मेथड बताऊं जिसमें सिर्फ आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है और ये 100% वर्किंग है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर इतना कमीशन जनरेट किया हुआ है और आप लोग यूरोज में अर्निंग कर सकते हैं और यूरोज की और डॉलर्स की प्राइस भी तकरीबन सेम ही होती है। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये एक गिफ्ट है ताकि आप लोग अपनी स्टडी के साथ या फिर पार्ट टाइम में अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ अपने लिए आसानी से, बहुत ही आसान तरीका है, इसको फॉलो अप करते हुए आप अपने लिए कमीशन जनरेट कर सके ऑनलाइन अर्निंग का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। बस आप लोगों ने ध्यान से इस पूरी वीडियो को समझ लेना है और देख लेना है और साथ साथ में अगर आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान मेथड बताऊंगी जिसमें सिर्फ आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है। वो किन लोगों को ईमेल सेंड करनी है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कंपाइल की गई हैं, आप लोगों के लिए बनाई गई हैं ताकि आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन से उठाएं और उसको कॉपी पेस्ट करें और अपने लिए काम को आसान करें। तो आप लोगों ने सिर्फ पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, समझना है ताकि आप लोग भी अर्निंग को जनरेट कर सकें। नंबर वन पे जो स्टेप आता है आप लोगों का, आपके पास एक ऐसी साइट होनी चाहिए जो कि आप लोगों को रिकरिंग कमीशन जनरेट करके देती हो। रिकरिंग कमीशन क्या होता है तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिकरिंग कमीशन क्या होता है। रिकरिंग कमीशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लोग सिर्फ एक टाइम पर किसी से काम लेते हैं या साइन अप करवाते हैं और उसके बाद वो खुद काम करता रहता है और आप जितनी देर तक वो साइन अप रहता है उस साइट के ऊपर आपको उतनी देर तक उसका रिकरिंग कमीशन या फिर कमीशन मिलता रहता है। आपको हर दफ़ा नया यूज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं रिकरिंग कमीशन के लिए एक साइट को यूज़ कर रही हूँ, सेंडन ब्लू नाम है उसका और अभी उसका रिसेंटली नाम चेंज हो गया है, उसका नाम ब्रेवो है। उसकी क्वालिटीज़ क्या है कि आपने सिर्फ एक पर्सन से एक दफ़ा लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है और एक दफ़ा लॉगिन करने से ही आपको 5 यूरो जनरेट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे और वो बहुत ही आसान तरीका है। अब उनकी बात करते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि ब्रेवो या सेंडन ब्लू क्या है। तो सेंडन ब्लू आपका सिर्फ एक ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिजनेसमैन जो हैं वो ईमेल्स भेजते हैं अपने कस्टमर को, अपने यूज़र्स को, ताकि उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके, ताकि उनको अपने बिजनेस के बारे में रीसेंट अपडेट दे सकें और अपने लिए कमीशन जनरेट कर सकें। हमने सिर्फ टारगेट करना है उस ऑडियंस को जिन तक हम लोगों ने बात अपनी पहुंचानी है या अपना लिंक पहुंचाना है। तो नंबर वन पे बात करते हैं कि हम लोगों ने सेंडन ब्लू का अकाउंट पहले क्रिएट करके रख लेना है। वो अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह की इंटरफेस पर आ जाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। लास्ट पे आप लोगों ने फुटर एरिया पर देखना है, आपके पास पार्टनर्स का ऑप्शन होगा, आपने सिर्फ इस पार्टनर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे 4 एजेंसीज, ब्लॉगर्स, इंटीग्रेशन और VCS। अगर आपके पास कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पर ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बिकेम एन एफिलिएट का, आपने यहाँ पर सिंपल ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्न 5 यूरो कमीशन व्हेन समवन क्रिएट्स एन अकाउंट ऑन ब्रेवो, यानी कि आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के $5 मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अगर वो कुछ परचेज नहीं करता, कुछ भी वहाँ से बाय नहीं करता तो ये कोई भी इतनी, जैसे अमेजोन है, जैसे आप लोगों को सेल्स जनरेट करवाना पड़ता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने सिर्फ एक अच्छा यूज़र ढूंढना है जिससे आप जो है वो अकाउंट क्रिएट करवा सकें, उसकी बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डिटेल्स इसी वीडियो में है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए। अब यहाँ पर आपका जो यूज़र है अगर कोई चीज़ बाय करता है तो फिर आपको कितना कमीशन मिल सकता है, आपको मिलेगा 100 यूरो तक। ठीक है, अगर वो सिर्फ अकाउंट क्रिएट करता है तो 5 यूरो मिलेगा और अगर सिर्फ वो बाय करता है तो आपको 100 यूरो मिलेगा। तो आप इतने आसान तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर और रिक्वायरमेंट्स भी हैं लेकिन आपको सिर्फ अभी के लिए इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम लोगों इससे कमीशन कितना जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए अपना, आपने सिंपल इसका अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस अपना देना है जो कि आपका एक्टिव है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी डिटेल दे देती हूँ। यहाँ पर पासवर्ड आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग मेंशन करना है और वो मेंशन करना है जो आप याद भी रख सको, ऐसा नहीं मेंशन करना जिसको आप याद ही ना कर सको आसानी से। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करने के बाद आई एग्री द टर्म टू कंडीशन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। मेक श्योर आपने पासवर्ड के अंदर जो है वो मिक्सअप लेटर इस्तेमाल करने, जैसे नंबर, जैसे स्टरिक नंबर
इसके बाद आपने सिर्फ इसके ऊपर छोटी छोटी डिटेल्स देनी है, जैसे कि अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है। अब यहाँ पर अपनी पिक्चर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर लगा सकती हूँ। आप ब्राउज करें, आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स पड़ी होंगी तो यहाँ से पिक्चर उठा के आप लगा सकते हैं। इसको कस्टमाइज कर लें अपने हिसाब से। और यहाँ पर आने के बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपने वही देना है जो कि आपका वर्किंग है, ठीक है, और आईडी कार्ड पे अगर है तो वो बेस्ट है। उसके बाद आपने नीचे कंपनी मेंशन करनी है। अब ये ऑप्शनल है लेकिन आप इसको ज़रूर मेंशन करें। ये वेबसाइट है ये भी ऑप्शनल है। अब आपने जो है वो ध्यान इस चीज़ पर देना है कि आपने वो साइट अपनी प्रोवाइड करनी है जो कि आपकी जो है वो एक्टिव है और जहाँ से आपको अप्रूवल मिलना बहुत आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग उसके ऊपर अकाउंट करें, अकाउंट बनाए और आपको अप्रूवल ही ना मिले। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको वो साइट चाहिए जहाँ पर आप एक्टिव हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सोशल प्लेटफॉर्म एक्टिव है तो उसकी साइट दें, अगर नहीं तो किसी दोस्त से या किसी से अभी फ़िलहाल के लिए किसी वेबसाइट का लिंक ले लें जिसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। तो वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन करें ताकि आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपने अबाउट बता देना है कि आपका चैनल किस बारे में है। तो मैंने यहाँ पर अबाउट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे दी हैं कि मेरा चैनल किस बारे के में है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल वेबसाइट URL अगर देना है तो यहाँ पर वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं यही मेंशन कर देती हूँ। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लोगों ने यहाँ पर येस और नो के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल नो के बटन पर क्लिक करना है क्योंकि आप लोगों के पास अभी अकाउंट नहीं है। बिजनेस फोकस आप लोगों ने स्ट्रेटजी और कंसल्टिंग और ईमेल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, CRM है, कौन सा आपका बिजनेस है, स्ट्रेटजी और कंसल्टिंग पे कर लें और सेव के बटन पे क्लिक कर दें। अब सेकंड नंबर पे आप लोगों ने अपनी पेमेंट डिटेल दे देनी है कि आप लोग कहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग बैंक में ही रिसीव करें, ठीक है, और यहाँ पर अपना IBAN नंबर दे दें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो डोंट वरी, आप घर में किसी का अगर बैंक अकाउंट है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और वहाँ पर ये मेंशन कर दें, क्योंकि डायरेक्ट आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। PayPal की अगर हम बात करें तो PayPal यहाँ पर क्रिएट ज़रूर हो जाता है लेकिन उसमें भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर कमीशन भी कटिंग होता है। तो आप लोग का बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग अपना एक बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करवा लें। IBAN नंबर कैसे लेते हैं? आप लोग सिंपल अपने बैंक अकाउंट में कॉल कर सकते हैं, वहाँ से उनको कह सकते हैं कि मुझे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर चाहिए IBAN, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो सिंपल आपने यहाँ पर आकर अपना IBAN नंबर मेंशन कर देना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो और पार्टनरशिप का अंडर व्यू चला गया है। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ ये इंटरफेस को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी और आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको आपका जो लिंक है वो यहाँ पर एसेट्स वाली जगह पर नज़र आएगा, ठीक है। ये जो एसेट्स की जगह बनी हुई है यहाँ पर आपका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर कन्वर्जन में आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कमीशन जनरेट हुआ है, कितने अकाउंट बने हैं या किसने बाय किया है, और यहाँ पर आपको कमीशन अकाउंट की जगह पर आपकी पूरी कमीशन नज़र आ जाएगी कि कितनी आप लोगों ने कमीशन जनरेट कर लिया है। अब यहाँ तक हो गया सेंड एंड ब्लू की बात। वंस यू हैव योर लिंक, आपने अब सेकेंड स्टेप में अपने लिए एक टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करना है जिनको आप सेंड एंड ब्लू का जो लिंक है वो प्रमोट करेंगे। अब आप किन को सेंड एंड ब्लू का लिंक प्रमोट करेंगे? सारी बात है ऐसे बिजनेसेस जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वो ईमेल मार्केटिंग करें, और ईमेल मार्केटिंग के लिए उनको किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि सेंड एंड ब्लू है और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो डोंट वरी, आपको इसकी सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने खुद कंपाइल की हुई है एक लिस्ट ऑफ बिजनेसेस या फिर कह लो आप ब्रांड्स जो कि ईमेल मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो जो लिस्ट है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आप लोगों को हर तरह के ब्रांड्स बताए हुए हैं जो कि आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी नीश अगर ईमेल मार्केटिंग की है या फिर SaaS बिजनेस की है तो मैं उनको प्रमोट कर सकती हूँ, और आप लोगों की नीश अगर हेल्थ केयर की है या कुछ भी है तो वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट कंपाइल की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और वो आपके सेंड एंड ब्लू के ऊपर अकाउंट बनाने को पसंद करेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस, जिनका ई कॉमर्स का स्टोर है आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर है SaaS बिजनेस के कंपनीज है आप उनको प्रमोट करते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं आप उनको प्रमोट कर सकते हैं,
इनकी ईमेल्स किस तरह से फाइंड आउट करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रेस्टोरेंट और कैफेज हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से फिटनेस सेंटर्स हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ जो है वो 20 लिस्ट है, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि आपने यहाँ से अपना एक प्रोग्राम उठा लिया है। फॉर एग्जाम्पल लगा लें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल यूनिवर्सिटी में आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आपने अब इनकी ईमेल एड्रेसेस को टारगेट करना है। मेरी बात को यहाँ पर आपने फोकस से ध्यान से समझना है कि हमने किया क्या है। हमने एक ईमेल मार्केटिंग के लिए बिजनेस उठाया जो कि ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अब हमने उनकी ईमेल्स ढूंढनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लगा लो कि मैं सॉफ्टवेयर और SaaS कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर बनाती हैं और बाद में सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करना चाहती हैं, अपने यूजर्स को कहती हैं कि वो इंस्टॉल करें या फिर उनको नया अपडेट देती हैं कि अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपडेट आ गया है, आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, तो मैं इसको टारगेट करना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं SaaS कंपनीज की 20 ऐसी वेबसाइट्स ढूंढूंगी जिनके अंदर मुझे ईमेल्स मिल सकती हैं। अब आपको वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो भी आपके लिए ढूंढी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी 20 लोकल SaaS कंपनीज वेबसाइट लिंक्स जहाँ पर वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा आपको। मिसाल के तौर पे आपका नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, ये सारे आपके क्लिकअप एक SaaS बिजनेस है, इसकी वेबसाइट का लिंक है। अब आपने यहाँ पर आपको 20 लिस्ट मिल गई है वेबसाइट की लिंक, अब आपने यहाँ से ईमेल एड्रेस कैसे लेना है, अब वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जोहो का देख लेती हूँ कि मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, इसकी वेबसाइट एड्रेस को पेस्ट करके इसके वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब आपने इस वेबसाइट के अंदर से इसके कॉन्टैक्ट अस का पेज ढूंढना है। अक्सर कॉन्टैक्ट अस का पेज आपको टॉप पर नज़र आ जाएगा या फिर आपको नीचे बॉटम में यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर नहीं है, ये देखें नीचे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल गया, अगर यहाँ पर भी नहीं है तो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग पे यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल गया। आपने हर वेबसाइट पर जाके उनके कॉन्टैक्ट की डिटेल निकाल लेनी है। कॉन्टैक्ट की डिटेल निकालने के बाद आपको यहाँ पर देखें मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल चुका है और यहाँ पर मुझे इनका ईमेल एड्रेस भी मिल चुका है। आपने सिंपल क्या करना है, इसकी ईमेल एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है, जीमेल पर आना है अपनी और यहाँ पर आपने जीमेल को ओपन कर लेना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट भी नहीं है तो डोंट वरी, आपको बहुत आसान तरीके से जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपने यहाँ पर आना है, कंपोज के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 2 के ऑप्शन पर वो ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देनी है जिनको हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, यानी जोहो कंपनी को मैंने टारगेट करना है, उनकी ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। हमारे पास लिंक भी है, वो बिजनेसेस भी हैं जिनको हमने लिंक को प्रमोट करना है, उनकी ईमेल एड्रेस भी आ गई है। अब आता है फाइनल स्टेप कि हमने उनको ईमेल एड्रेस में लिखना क्या है, तो डोंट वरी, इसकी भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक कस्टम ईमेल को कंपाइल किया हुआ है, लिखा हुआ है, आपने सिंपल उसको कॉपी करना है और हर दफ़ा उसी ईमेल को जाके पेस्ट कर देना है। मेक श्योर उस ईमेल के अंदर आप लोगों ने अपना एफिलिएट लिंक लाजमी डालना है जो कि आप लोगों को एसेट वाले सेक्शन से मिल जाएगा, मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से आपने अपना एफिलिएट लिंक वहाँ पर मेंशन कर देना है। कहाँ करना है, कैसे करना है वो देखते हैं, आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से अपने ईमेल की जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, हमने ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से उठा लेना है और कॉपी कर लेना है अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाली जगह पर आपने डाल देना है अपना ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ उसकी बॉडी उठानी है यहाँ से के डियर वगैरह वगैरह, और यहाँ से उठा के यहाँ तक आपने कॉपी करना है, ठीक है, और नीचे आ जाना, यहाँ पर आपने सिर्फ पेस्ट कर देना, इतना सिंपल था। इसके बाद थोड़ा सा आपको थ्रू आउट दे देती हूँ, यहाँ पर रिसीपेंट नेम पर आपने मेक श्योर उसी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है जिसको आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जोहो को लिख रही हूँ, अब यहाँ पर आपने उस कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ से आपने किसी चीज को चेंज नहीं करना, हमने उसको सिर्फ बताया हुआ है कि सेंडर ब्लू के बेनिफिट्स क्या हैं, आपके तमाम तरह चीज़ें उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं, फिर मैंने उनको कहा हुआ है कि आई एनकरेज यू टू गिव सेंडर ब्लू आर ट्राई, ठीक है, एक ट्राई दें, अगर आप लोग इसको बाय नहीं करना चाहते तो सिंपल क्रिएट कर लें अकाउंट, तो आपको उसमें भी चलेगा काम, और आपने क्रिएट करने के लिए अकाउंट सिंपल क्लिक दिस लिंक। अब यहाँ पर आता है काम जो हमने करना है, पेस्ट योर लिंक हियर, यहाँ पर आपने अपना जो है वो एफिलिएट लिंक पेस्ट करना भूलना नहीं है, लाजमी आपने पेस्ट करना है जिस पर क्लिक करने से वो अपना अकाउंट बना सकता है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना नाम मेंशन कर देना है, और अगर आपका कोई एक्टिव सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं लाजमी आपने अपना एक्टिव सोशल प्लेटफॉर्म देना है टू बिल्ड आर ट्रस्ट, ठीक है,
आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको अपना प्लेटफॉर्म लाजमी देना, ताकि वो आपको देख सके कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और आप जेन्युइन हो या नहीं हो। और आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है एक और चीज़, मैंने मेंशन की है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नीडेड असिस्टेंट वगैरह वगैरह फील फ्री टू आस्क मी, या फिर आप उसके प्ले सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर भी, सेंड एंड ब्लू के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दिस इज इट। यहाँ तक काम करने के बाद आपने सेंड कर देनी है यहाँ से ईमेल। सेंड करने के बाद आपका काम हो गया है खत्म। अगर आप लोग जो है वो किसी भी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऑफ कंपनीज को लेना चाहते हैं या उनकी वेबसाइट्स को लेना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप गूगल कर सकते हो। वैसे जैसे कि अपना एरिया लिखिए, जैसे कि फिटनेस 20 रीसेंट कंपनीज हु नीड ईमेल मार्केटिंग, तो वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा वेबसाइट्स की, तो वो वेबसाइट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको वेबसाइट्स नहीं मिलती हैं अपने नीश के अकॉर्डिंग, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, आपके पास टीम जो है वो कोलैबोरेट कर लेगी, कोऑपरेट कर लेगी, आपको टीम लिस्ट जो है वेबसाइट्स की वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी प्रमोट करना चाहते हैं अपने लिंक को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप जो है वो इसके एक्सप्लोजन मेथड को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रैफिक एक्सप्लोजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप बेतहाशा सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। और दिस इज़ इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत और ये हेल्पफुल कॉन्टेंट पसंद आया है, तो इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।